नमस्कार इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा आज बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन का जन्मदिन है बॉलीवुड में उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं लेकिन उनके लुक्स की वजह से उनको ग्रीक गॉड कहा जाता है ऋतिक आज उनचास साल फोर्टी नाइन के हो गए हैं दस जनवरी उन्नीस को ऋतिक रोशन का जन्मदिन हुआ था जन्म हुआ था और अब बॉलीवुड के एक सुपरस्टार हैं एक एक बड़ी फिगर हैं ऋतिक रोशन तो उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें आज उनका चूंकि जन्मदिन है इस मौके पर मैं आ, आपके साथ साझा करने वाला हूं आपको बताने वाला हूं ऋतिक रोशन की बात करें तो अभी ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और अभी की मैं अगर बात करूं तो आ, करीब ऐसा कहा जाता है कई जो बॉलीवुड के रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कि वो एक फ़िल्म के लिए करीब एक से एक करोड़ रुपये चार्ज करते हैं लेकिन एक वक्त ऐसा भी था यानी कि जब ऋतिक रोशन की पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी हालांकि जब वो बाल कलाकार के रूप में उन्होंने इस फिल्म में एक्ट किया था साल 1980 में रिलीज हुई थी आज 100 करोड़ से ऊपर की फीस लेते हैं ऋतिक रोशन लेकिन तब उनकी पहली फिल्म की फीस के तौर पर उन्हें सौ रुपये मिले थे और ये फिल्म उन्हीं के जो नाना हैं उन्होंने इस फिल्म को बनाया था जे ओम प्रकाश ने उन्नीस सौ अस्सी में पिक्चर रिलीज हुई थी फिल्म का नाम आशा था और इस फिल्म में जितेंद्र मुख्य भूमिका में थे और इस फिल्म में एक सॉन्ग पिक्चराइज किया गया था जितेंद्र के ऊपर और इसी सॉन्ग में एक बाल कलाकार के रूप में ऋतिक रोशन भी इस फिल्म में थे और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी आ... एक बाल कलाकार के तौर पर हालांकि उनको प्रसिद्धि फिर बाद में मिली जब साल 2000 में उनकी फिल्म प्यार है आई और पहली फिल्म में कैसे उनको एकदम रातों रात सुपरस्टार बना दिया था और ख़ास बात यह रही कि उस वक्त जब उनकी पहली मूवी रिलीज़ हुई थी कोहोना प्यार है तो कुल दस करोड़ के बजट में फिल्म बनी थी लेकिन उस वक्त इस फिल्म ने ओवरसीज तीन करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और उस पिक्चर में तो हमने देखा था कि ऋतिक के एक्टिंग के साथ साथ ऋतिक के डांस के भी लोग रातों रात दीवाने हो गए थे और उनका जो सिग्नेचर डांस था इस में उसके स्टेप्स को तो लोग आज तक कॉपी करते हैं अब चूंकि डांस की बात चली है तो मैं एक और ऋतिक की लाइफ का एक ऐसा फैक्ट साझा करना चाहूंगा जिसको आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे दरअसल अब ऋतिक रोशन को एक बेहद शानदार डांसर के तौर पर भी देखा जाता है उनके डांस स्टेप्स को फॉलो किया जाता जाता है ऋतिक रोशन के लेकिन एक वक्त ऐसा भी था उनके जीवन में उनकी उम्र करीब बीस साल के आसपास रही होगी उस वक्त डॉक्टर ने कह दिया था कि वो सारी जिंदगी डांस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको एक बड़ी दुर्लभ बीमारी हो गई थी लेकिन ऋतिक ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और लगातार डॉक्टरी सलाह पर वो चलते रहे उन्होंने खूब एफ़र्ट्स किए तकरीबन एक डेढ़ साल तक उनका इलाज भी चला था इस दौरान उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स किए थे उनको दरअसल जो बीमारी थी वो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड बीमारी थी जिसमें हड्डी एक तरफ झुक जाती है तो ऐसे में डांस करना पॉसिबल नहीं होगा उनके नेताओं पर ये डॉक्टर ने कह दिया था लेकिन आप देखिए ऋतिक ने उसको ओवरकम किया और आज आ, एक एक बहुत ही बेहतरीन और एक कुशल डांसर के रूप में ऋतिक रोशन को जाना जाता है एक और फैक्ट है जब उनकी पहली पिक्चर रिलीज़ हुई थी कहो ना प्यार है जिसमें बतौर हीरो उनको कास्ट किया गया था तो उस फिल्म के लिए पहले उनके पिता राकेश रोशन शाहरुख खान को कास्ट करना चाहते थे शाहरुख खान को पिक्चर की स्टोरी सुनाई गई लेकिन शाहरुख खान ने मना कर दिया उसके बाद ऋतिक रोशन के पिता ने किसी दूसरे अभिनेता से कोई भी संपर्क नहीं किया और उन्होंने सीधा ऋतिक रोशन को इस फिल्म में कास्ट कर दिया इस फिल्म को करने के बाद इस फिल्म की सफलता के बाद ऋतिक रोशन जितने उत्साहित थे उतना ही ज़्यादा वो एक तरह से उस वक्त डिप्रेशन में भी चले गए थे इसके पीछे रीजन ये था कि जैसे ही फिल्म रिलीज हुई उनके पिता राकेश रोशन पर अंडरवर्ल्ड की ओर से अटैक किया गया था हमला किया गया था इसमें राकेश रोशन को गोलियां भी लगी थी और उसके पीछे वजह ये सामने आई थी कि जो जो गैंगस्टर हैं उन्होंने ऋतिक रोशन के पिता से एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी जिसको राकेश रोशन ने देने से इनकार कर दिया था उस पर अटैक हुआ हमला हुआ और इस हमले के लिए ऋतिक खुद को जिम्मेदार मानते थे कि आ, उनकी फिल्म रिलीज़ हुई एक एक ठीक ठाक बजट की फिल्म थी एक्सटॉर्शन मनी उनके पिता ने नहीं दिया तो उन पर अटैक किया गया तो उस वक्त ऋतिक एक डिप्रेशन में चले गए थे लेकिन बाद में वो डिप्रेशन से निकले न सिर्फ डिप्रेशन से निकले उसके बाद एक से बढ़कर एक हिट फिल्में ऋतिक रोशन ने दी हैं उनके अगर मैं बचपन की बात करी तो करूँ तो एक वक्त ऐसा भी था जब ऋतिक रोशन बड़े तंगाली के दौर से गुजरे थे जब छोटे थे क्योंकि देखिए बॉलीवुड में एक खेमा ऐसा है जिसको कहते हैं कि बॉन्ड विद द गोल्डन स्पून यानी कि जिनके पास पहले से ही सब कुछ होता है जिनके पास पहले से ही नेम फेम होता है उनके माता पिता के पास और उनको फिर बॉलीवुड में आने में आसानी रहती है राकेश रोशन के साथ भी ऐसा ही था लेकिन राकेश रोशन उस वक्त जब ऋतिक छोटे थे तो एक स्ट्रगलिंग एक्टर भी थे एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर भी थे फिल्में बहुत ज़्यादा चल नहीं रही थी और एक एक मेन लीड हीरो के तौर पर उनको काम बहुत कम मिला करता था तो उस वक्त घर में तंगी थी और ऋतिक ने एक पिछले दिनों एक इंटरव्यू भी किया था अपनी फिल्म उनकी जब वॉर फिल्म आई थी वो हिट हुई थी उसके बाद फिर ऋतिक ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था कि एक वक्त ऐसा भी था कि बड़ी तंगहाली में दिन गुजरे थे और एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब मकान मालिक ने किराया ना होने की वजह से उनको घर से निकाल दिया था जिसके बाद उनके पिता राकेश रोशन ऋतिक को छह महीने के लिए नानी के पास भेज दिया था लेकिन बाद में फिर सेवन में जो राकेश रोशन की डायरेक्ट की हुई हुई फिल्म थी खुदगर्ज वो हिट हुई और उसके बाद फिल्में उनकी चलने लगी फिर उन्होंने करण अर्जुन बनाई जो एक एक, एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी तो ऐसे बहुत सारी फिर हिट फिल्में जब हुई तब ऋतिक रोशन के पिता ने राकेश रोशन ने अपना घर लिया और फिर इस तरीके से वो एडजस्ट होते चले गए इस इंटरव्यू में ऋतिक ने इस बात का भी जिक्र किया था कि वो उन स्टार किड्स में से नहीं हैं जो बॉर्न विद गोल्डन स्पून होते हैं बचपन में स्ट्रगल उनके उन्होंने भी किया है एक स्टारगेट होने का उनको बहुत ज्यादा कभी भी फायदा नहीं मिला फिर चाहे वो बॉलीवुड में एंट्री की बात हो या फिर अपने पिता के साथ काम करने की बात जब उनके पिता फिल्म करण अर्जुन को डायरेक्ट कर रहे थे कोयला को डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ऋतिक रोशन ने अपने पिता के साथ लंबे वक्त तक काम किया ऋतिक इस बात को भी बताते हैं इस इंटरव्यू में कि उस दौरान वो याद करते हैं उन सारी चीज़ों को और बताते हैं कि मैं एक्सपोर्ट बॉय की तरह काम किया करता था सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर ही नहीं एक्सपोर्ट बॉय वाला काम भी करता था स्टार्स के कप उठाना सेट की सफाई कर देना लेकिन कहते हैं ना कि आप जितना संघर्षों के बाद आगे बढ़ते हो उतना ही चमक आपकी आसमान में बरकरार रहती है तो ऋतिक आज इसका जीता जाता उदाहरण है संघर्ष उन्होंने देखे मुश्किल परिस्थितियाँ उन्होंने देखी लेकिन सबसे ओवरकम किया और आज हम ऋतिक रोशन को बॉलीवुड के एक सुपर स्टार के रूप में जानते हैं हालांकि इस दौरान पिरलली लाइफ में बहुत सारी सारी चीज़ें भी चलती रहीं सुजैन खान आ, जो जिनके बारे में ऋतिक बताते हैं कि 12 साल की उम्र से वो सुजैन को पसंद करते थे बाद में शादी हुई तलाक हुआ और अब आप खबरें ये हैं कि ऋतिक रोशन सब आज़ाद को डेट कर रहे हैं और ये भी खबर आ रही है कि 2030 में शायद दोनों शादी कर सकते हैं खैर ये सारी चीज़ें हैं ऋतिक रोशन की लाइफ से जुड़ी चूंकि आज उनका जन्मदिन था तो मुझे लगा कि इन सारी चीज़ों को मैं आपसे साझा करता हूँ और उनचास साल के हुए हैं ऋतिक और बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं हम उम्मीद करेंगे और हम अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करते हैं और उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए हम इस बात की दुआ करते हैं कि ऋतिक अपने इस बॉलीवुड करियर में और आगे बढ़ें हमारी तरफ से ऋतिक को हैप्पी बर्थडे जन्मदिन की शुभकामनाएं